क्या है आपका नाम? रोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सागर एमपी। एमपी से क्या करने वाले? बेली डांस। अरे आप भी बेली डांस करने वाले? मतलब छप्पर फाड़ के बेली डांसर्स। बेली डांसर्स दिखाइए। रोहित ऑल द बेस्ट। बट लुक एट द आर्च इन द बैक। इसे कहते हैं लचक। रेडी? म्यूजिक प्लीज। किल इट किल इट। I hate you. मुझे नफरत है इस बात से कि आपकी कमर लड़कियों से ज्यादा अच्छी लचकती है। मुझे नफरत इस बात से है कि आपकी कमर कई लड़कियों से ज्यादा छोटी है। हमसे तो डेफिनेटली। मुझे नफरत है कि नजाकत आप में लड़कियों से ज्यादा है। मुझे नफरत है कि आप अपने डांस से इतना प्यार करते हैं कि मेरी नजर आपके डांस से हटी ही नहीं। मुझे नफरत है कि मैंने इतनी शिद्दत अपने टाइम में क्यों नहीं दिखाई। आउट स्टैंडिंग मेरे पास। आपके जो थ्री बेस्ट मूव्स थे, ओपनिंग जो सेक्शन था आपका, जिस तरीके से आपने अपने कमर हिलाई और जिस तरीके से आप नीचे उतरे उस कमर के साथ और फिर ऊपर उठे, ब्यूटीफुल। फिर जब मैया मैया का स्टेप आया और आपने एक बॉडी की वाइब्रेशन ली और फिर थम गए आप एक पल के लिए, फिर वापस शुरू कर दिया। जिस तरीके से आपने म्यूजिक के साथ खेला, वाह, मतलब ऐसा लगा कि वो बीट चल रहा है और आप भी चल रहे हो उसके साथ। आपकी जो कमर हिल रही थी, कपकपा रही थी और उसका आपने कंट्रोल किया एकदम, मतलब छोड़ गए अपने बॉडी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जरूर कहूंगा कि टाइम बदल रहा है।
ये जेंडर बेंडर वाली बात हो गई. यू नो इट्स नो लॉन्गर अबाउट लड़के ये करते हैं लड़कियां ये करती हैं. जब लड़कियां वो करती हैं जो लड़के करते हैं तो उनको शाबाशी मिलती है. बट समहाउ जब लड़के वो करते हैं जो लड़कियां करती हैं उनको यू नो शाबाशी नहीं मिलती. हमारा ये शो है, हम दिल खोलकर आपका स्वागत करेंगे. बिकॉज यू डिजर्व टू बी हियर. वी डोंट केयर कि आपका जेंडर क्या है. We don't care. We are only interested in dance. And the best dance. Okay? India's best dance. Thank you so much. That's brilliant. I'm sure, जहाँ आप रहते हो आसान तो नहीं होगा. आप बेली डांसिंग करते हो, I'm sure वहाँ पे बहुत लोग होंगे जहाँ पे कहते होंगे कि ये लड़का बेली डांसिंग क्यों कर रहा है, ये लड़कियों का डांस है. I'm sure ये सब आप तो सुनते रहेंगे. हाँ ये बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही चलता है सब. मतलब मेरे पेरेंट्स भी मना करते हैं कि तुम लड़का हो और ये लड़कियों वाला डांस कर रहे हो, ये घाघरा मतलब ये ज्वेलरी वगैरह ये सब लड़के थोड़ी ना पहनते हैं. बस्ती में डांस डांस होते थे तो मैं जाता था करने, तो मेरे स्टार्टिंग से ही गर्ल्स फॉर्म था, मैं गर्ल्स डांस ही करता था. तो बस्ती वालों ने घर पे जाके बोला कि अरे आपका लड़का तो ऐसे डांस कर रहा है, गर्ल्स जैसे डांस कर रहा है, कॉस्ट्यूम पहन रहा है. तो पापा ने बहुत मारा था कि ये डांस क्यों कर रहे हो. पापा ने मारा था? हाँ बचपन में बहुत मारते थे. मेरा लड़का लड़कियों के कपड़े पहन के डांस करता है तो हमने इसको डांटा कि यार ये डांस न करो, ये डांस में मोहल्ले वाले काके हैं, हर कोई नाम बदनाम कर रहा तुम्हारा. हमें भी शर्म आती है कि वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो भांडे. उसके पापा को कईयों बार हमने समझाया, पूरे मोहल्ले वालों ने समझाया कि समाज में ये सब नहीं चलता है. और जब भी मौका मिलता है पूरे मोहल्ले वाले उसके घर पे जाते हैं समझाने के लिए. सभी लोग कहते हैं मतलब उसकी मर्दानगी पे कोई सवाल भी उठाता है कि ये लड़का है कि लड़की है. शर्म भी आती है मुझे कि अब मैं उसका पड़ोसी हूँ, बेकार सा लगता है वो. लेकिन फिर भी इन सब के बीच है ना मेरे लकी भैया, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ. क्या बात है, मतलब सब आज? हाँ आए हैं आज. अच्छा किसी ने सपोर्ट नहीं किया बट उनने सपोर्ट किया. लकी भैया कहाँ पर हो? लकी भैया सिखाते हैं आपको बेली डांस? बेली मैं करता हूँ बट ये बहुत सपोर्ट करते हैं और कोरियोग्राफी बताते हैं कि किस किस सॉन्ग पे क्या करना है, कहाँ क्या करना है. लकी भैया आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे कोरियोग्राफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं जो करते हैं. मैम एक्चुअली कुछ साल पहले नियर अबाउट 12 इयर्स अगो एक कॉलेज में मुलाकात हुई मेरी, रोहित से परफॉर्मेंस कर रहे थे तो मुझे लगा कि ही इज द मैन. सो स्वीट. हु कैन बी बेटर देन अ वुमन. मेरी एक दरख्वास्त है आपके मम्मी पापा से, आपकी फैमिली से और आपके जितने लोग हैं ना आपके बुंदेलखंड में, मैं चाहती हूँ वो आए और एक बार आपको लाइव देखें. और जिस तरह से आपने हमारा मन जीत लिया है, मैं चाहती हूँ आप उनका दिल फिर से जीते. ये अपना बच्चा है, आप ही का है, आप उसे सपोर्ट करेंगे तो ये और ऊंचाइयां हासिल करेगा. एब्सोल्युट दैट्स ऑल एंड दिस इज फॉर यू रोहित, फॉर योर हार्ड वर्क. गॉड ब्लेस यू. इंडियाज़ बेस्ट डांसर. थैंक यू सो मच.